दोस्तों, इस वीडियो में सीखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। दोस्तों, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए, और वो उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी में आता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हम इस कॉन्सेप्ट से ये बताते हैं कि एक मैट्रिक्स की डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस के लिए दोस्तों हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास मैट्रिक्स में दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक होता है रोज, एक होता है कॉलम्स। तो जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, वही दोस्तों इसके ऑर्डर बनाते हैं। कैसे? जो रोज है, नंबर ऑफ रोज है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है m और नंबर ऑफ कॉलम्स होता है n, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, गौर करेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाता है कि आपको नंबर ऑफ रो जैसे कि m है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम जो कि n है मिलता है, तो ये ऑर्डर कहलाता है। इसको दिखाने के लिए एक बेसिक मैट्रिक्स बना लेते हैं। दोस्तों, इस मैट्रिक्स का नाम हम a दे देते हैं, ये मैट्रिक्स a कहलाती है। जो इसके नंबर ऑफ रोज हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे दोस्तों, नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं इसके तीन रो हैं 1, 2, 3 और इसके तीन ही कॉलम हैं 1, 2, 3। तो किस तरह से डिफाइन होंगे दोस्तों, इसमें एलिमेंट यहाँ पर लगेंगे। देखिए, पहले रो में एलिमेंट यहाँ आएंगे, दूसरे रो में एलिमेंट यहाँ आएंगे, तीसरे रो में एलिमेंट यहाँ आएंगे, जो मैंने क्रॉस करके बनाए हैं। यहाँ पर जब एलिमेंट फिट हो जाएंगे तो देखिए दोस्तों, जो डायमेंशन है मैट्रिक्स की वो क्या हो जाएगी, ये थे रोज, ये थे कॉलम्स, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, रो इंटू कॉलम, दैट इज ये 3x3 का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, 3x3 मैट्रिक्स। तो दोस्तों, इस तरीके से मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन किया जाता है। इसी पर और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर बोल देते हैं ये मैट्रिक्स B है, इसके कुछ एलिमेंट ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ ले लेते हैं 5, 3, 2, 1, 8, 7, ये एलिमेंट्स ले लेते हैं। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 और 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, 2 और 3। दोस्तों, ऑर्डर किस तरह लिखा जाएगा, ऑर्डर लिखा जाएगा 2x3 के फॉर्म में। तो ये हो गया दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स है, 2 तो है यहाँ पे रो और 3 है यहाँ पे कॉलम्स, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरह से हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स की और बता सकते हैं उसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर को, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको दोस्तों, अगर हम रोज को जनरिक टर्म में लेते हैं m और कॉलम को जनरिक टर्म में लेते हैं n, तो ये इसका ऑर्डर रहता है, ये है रोज और ये है दोस्तों कॉलम्स, ठीक है। आइए दोस्तों समझते हैं कि मैट्रिक्स की बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाती है, क्या बेसिकली हमें सीखने से मिलता है मैट्रिक्स को, और ऑर्डर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों देखते हैं, देखिए मान लेते हैं मैं एक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेता हूँ। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये जो यूनिट है ये है 2 और ये जो यूनिट है ये है 3, ठीक है। तो 2x3 क्या होता है दोस्तों, किसी भी रेक्टेंगुलर में 2x3 दोस्तों, किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो एरिया होता है वो किस तरह डिफाइन करेंगे, उसके लेंथ इंटू ब्रेड से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x3, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6 निकल के आता है। यही चीज़ अगर हम मैट्रिक्स में डिफाइन करें, जैसे मैंने पीछे बी मैट्रिक्स ली थी, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी 2x3 का फंडामेंटल आता है। नंबर ऑफ रो जो है वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 हैं। तो चीज़ें वही हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग की बात है कि इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर एक एरिया कहलाता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फिगर। एक रेक्टेंगुलर फिगर में जो एरिया होता है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इंटरप्रिटेशन है, जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है ऑर्डर की, वो यही होती है कि एक एरिया को हम डिफाइन करें किसी भी रेक्टेंगुलर शेप के, वही दोस्तों उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक तरीका है किसी भी चीज़ को, किसी भी मैथमेटिकल टर्म्स को ज्योमेट्री में देखने का, कि जी मैथमेटिक्स में जैसे अलजेब्रा और अर्थमेटिक में चीज़ें दिखती कैसे, और फिर उसका ज्योमेट्रिकल फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली चीज़ें हमें प्रैक्टिकल लाइफ से देखने को मिलती हैं, तो हमें काफ़ी आसान हो जाता है अलजेब्रा और अर्थमेटिक के चीज़ों को समझना। आइए दोस्तों, अब जेनरिक फॉर्म बनाते हैं मैट्रिक्स की। किस तरीके से, मैं m इंटू एन जो नंबर ऑफ रॉ इंटू कॉलम है उसकी बात कर रहा था, उसको दिखाता हूँ, उस मैट्रिक्स को डिफाइन करता हूँ। दोस्तों यहाँ मैं बनाने वाला हूँ m इंटू एन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसे बनती है, आइए दोस्तों m इंटू एन मैट्रिक्स बनाते हैं। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स का नाम है a, तो किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको, ये देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर लिया। जो m इंटू एन मैट्रिक्स, जैसे ही मैं बोलता हूँ इसका मेरा रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब क्या है, कि ये ऑर्डर है।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स की राइट साइड के बिल्कुल कॉर्नर में लगेगा, तो ये बोल देते हैं कि ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह से मैट्रिक्स डिफाइन होती है। तो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स की डायमेंशन बना दी, नंबर ऑफ रोज बना दिए, नंबर ऑफ कॉलम्स बना दिए। नंबर ऑफ रोज कितने हैं m, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n। तो यहां पर सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है उसी से शुरू करते हैं। पहला एलिमेंट है a, इसका रो है 1, कॉलम है 1, इस तरह से डिफाइन करेंगे। जो लास्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, क्या है ए, इसका रो क्या है एम और कॉलम क्या है एन। तो रो इनटू कॉलम इस तरह से डिफाइन होता है। पहले एलिमेंट भी बना दिया, लास्ट भी बना दिया, अब बीच के एलिमेंट बना देते हैं। जो पहला रो है अगर उसके एलिमेंट लिखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, चलते चले जाएंगे, पहला रो और nth कॉलम, ठीक है ना, ये n कॉलम आ गया। तो लिख सकते हैं दोस्तों ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये nth कॉलम, ठीक है। सिमिलरली रो भी बना सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये mth रो, ठीक है ना, इस तरह से बनाएंगे। यहां पर आप गौर कीजिएगा ये क्या है, जो सेकंड रो है इसमें एलिमेंट है सबसे पहला वो क्या है, सेकंड रो है कॉलम है 1, सेकंड रो है कॉलम है 2, सेकंड रो है कॉलम है 3। तो जो एलिमेंट होगा यहाँ पे सेकंड रो है कॉलम है एन। सिमिलरली थ्री का भी बनाते हैं, जो रो नंबर 3 है उसमें क्या होगा, इस तरह से डिफाइन होंगे एलिमेंट। और जो लास्ट रो है, जो एमथ रो है वो क्या होगा, ए एम रो है कॉलम है 1, ए एम रो है कॉलम है 2, ए एम रो है कॉलम है 3, और ये वाला जो एलिमेंट है एंड वाला जो एलिमेंट है एम रो है कॉलम है एन। तो इस तरह से हम एक मैट्रिक्स की डायमेंशंस बना सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनने वाला है दोस्तों। तो मैंने बताया एम इंटू एन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो किस तरह लिख सकते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अगर मैट्रिक्स ए में लिखूं तो किस तरह मैं इसको डिफाइन करूंगा, डेफिनेशन कैसे बनाता हूं मैट्रिक्स की, हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ब्रैकेट्स बना दी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने कोई भी एक एलिमेंट ए, जेनरिक एलिमेंट ए ले लिया, इसके नंबर ऑफ रोज जो डायनेमिक रो हैं वो मैंने आई से बनाए, नंबर ऑफ कॉलम्स जो डायनेमिक है वो मैंने जे से बनाए, और इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो मैंने इस तरह डिफाइन किया एम इंटू एन। और यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन देता हूँ आई और जे की, आई और जे किस तरह से हैं, आई और जे जो हैं वो एम और एन का ही पार्ट है, और किस तरह से हैं वो डिफाइन होते हैं। आई जो है वो रो है, रो की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, रो फर्स्ट रो से शुरू होके एमथ रो तक जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जे की बात करूँ तो ये कॉलम है, ये कहाँ से शुरू होगा, ये फर्स्ट से शुरू होगा और एन तक जाएगा। तो ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन हो सकती है, किसकी, रोज की एंड कॉलम्स की, ठीक है ना, इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। और आई और जे क्या है, आई और जे बिलोंग टू एक नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर होंगे ही होंगे, इस तरीके से हम दोस्तों इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई एक बेसिक डेफिनेशन, जहां पर हमने ऑर्डर देखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, एम इन टू एन, और टोटल एलिमेंट कितने थे, एलिमेंट भी निकाल सकते हैं यहां पर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोस्तों कितने होंगे, सिंपल है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम कर दीजिए आपको, तो आपको टोटल एलिमेंट मिल जाएंगे। जैसे पीछे मैट्रिक्स थी, ये वाली मैट्रिक्स मैंने बनाई थी, इसमें 2 रो थे, 3 कॉलम थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कितने थे वो 6 हो गए। तो 6 यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हुए वही देखिए दोस्तों डिफाइन कर रहे हैं किसके लिए, रेक्टेंगल का एरिया बताते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो ऑर्डर है मैट्रिक्स की वो एरिया बताती है किसका, किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर का। और एरिया क्या है, एरिया इज नथिंग बट जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं एक मैट्रिक्स में उसको डिफाइन करता है। सिमिलरली अगर इससे पीछे वाली मैट्रिक्स में जाएं, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स थी, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 9, 3 × 3 = 9, इस तरह से हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देखी मैट्रिक्स की, के मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता क्या है, वो ये बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, और वो ये रिप्रेजेंट करता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होगा अगर सेम डायमेंशन से हम एक रेक्टेंगुलर फिगर बनाते हैं। और फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, एक डायमेंशन बताई किस तरह से बनता है मैट्रिक्स, और फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन बताई दोस्तों वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, और एंड में उसकी जेनरिक टर्म मैंने बताई आपको कि किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए जेनरिक टर्म हम किस तरह से बैठाएंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इन बेसिक एलिमेंट से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीख सकते हैं। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।